बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई सही चल रही होगी अभी तक जितना भी पढ़ा आपने। अब हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो 12th क्लास का पहला टॉपिक है एंड इट इज एक्चुअली मॉडर्न पार्ट ऑफ साइंस, बिकॉज थोड़ा सा मैकेनिक्स से थोड़ा आगे की बात है। एंड व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखिए, जो हमने फंडामेंटल फोर्सेस पढ़े उन वो फोर्सेस के लिए कोई ना कोई एक बेसिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो वो फोर्सेस कॉज करती है। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशन फोर्स को, व्हाट इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर व्हिच कॉजेस द ग्रेविटेशन फोर्स? इज द मास। मास के कारण ग्रेविटी लगती है, सही बात। सिमिलरली अनदर जो हमारा फंडामेंटल फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसके लिए व्हाट इज द प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड फॉर एनी सब्सटेंस व्हिच कॉजेस दिस न्यू काइंड ऑफ फोर्स फील्ड, एंड दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। और यही हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के गेम को स्टार्ट करता है। तो टेक्निकली अगर मैं परिभाषा बोलूं तो चार्ज इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। अब फिलहाल मैग्नेटिक इफेक्ट्स पर हम पॉज लगा देते हैं, मतलब ये है पर अभी हम नहीं पढ़ रहे, अभी हम फोकस केवल इलेक्ट्रिकल वाली बात पर करेंगे। चार्ज जिस तरह सर ने बोला, मास मैटर की वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण ग्रेविटी लगता था, तो चार्ज मैटर की वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फंडामेंटल फोर्स। ये बहुत बचपन में मेरे भी ये कंफ्यूजन रहता था, मुझे लगता कि किसी के पास चार्ज है, मुझे लगता था चार्ज कोई चीज है। पहले मैं ऐसा सोचा करता था चार्ज कोई चीज है, इट्स अ टेंजिबल थिंग, इट्स नॉट अ टेंजिबल थिंग, इट्स अ प्रॉपर्टी, इट्स अ प्रॉपर्टी लाइक योर ऑनेस्टी। आई गेट माय पॉइंट, यू कैन नॉट टेक अ चार्ज आउट ऑफ फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स, आप चार्ज निकाल के अलग और इलेक्ट्रॉन बचा हुआ इलेक्ट्रॉन अलग कर दें, ऐसा नहीं कर सकते, ये उसकी प्रॉपर्टी है। तो ये बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी हमने इसको मैथमेटिकली क्यों बनाया, क्योंकि बिना क्वांटिफिकेशन के हम फिजिक्स में प्रोसेस नहीं बढ़ सकते। बहुत ही बढ़िया बात है, तो इसीलिए हमने इस प्रॉपर्टी को क्वांटिफाई किया है, इसको समझाया है कि भैया इसकी वैल्यू इतनी होती है। लेकिन ये याद रखिएगा, चार्ज इज एन इंटेंजिबल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इट इज एन इंटेंजिबल प्रॉपर्टी, यू कैन नॉट टेक इट आउट, इट इज देयर बट आप उसको ये नहीं कि ये चार्ज है ये बचा हुआ मैटर है। बड़ी एग्जांपल सर ने लिया कि इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं अगर वो नेगेटिवली चार्ज है तो आप ये नहीं कर सकते कि भाई उसका नेगेटिव चार्ज हटा दिया, वो होगा ही, वो उसके उसकी प्रॉपर्टी है। बिल्कुल सर। तो इसी बेसिस पर हाँ सर, दो तरह के चार्जेस का जिक्र आता है सर, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। सर डेफिनेशन में ये लिखा होना कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का एक्सेस या डेफिशिएंसी, ये स्टेटमेंट आप कॉपी कर ले, आप जानते ही ऑलरेडी। इसका कारण क्या, बॉडी पर चार्ज इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन से कोरिलेट कैसे कर पाए? सर एक्चुअली क्या था कि पहले जब हमारे पास पहले भी इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपीरियंस जब हमें हुआ तो हमें लगा कि व्हाट इज कॉजिंग दिस, तो देयर आर सेवरल मल्टीपल थ्योरीज, आर देयर वन लिक्विड थ्योरी, टू लिक्विड थ्योरी, बहुत सारी थ्योरीज, बहुत सारी बातें हमने की, एंड फाइनली जो हमारा फाइनल रिजल्ट था वो भी फिगर्ड आउट कि द बेसिक रीजन ऑफ द चार्ज इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का कंपैरिजन। जनरली अगर हम न्यूट्रल एटम की बात करें तो उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोटॉन है, एंड बोथ ऑफ देम कैरी प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, एंड बोथ ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज आर अपोजिट टू ईच अदर। व्हाट डज इट मीन कि व्हेन दे एनिहिलेट, यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एंड प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉनिक चार्ज कम टुगेदर, देन दिस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज वैनिशेस, इट सीजेस। इसका मतलब है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या का डिफरेंस जो है वो डिसाइड करेगा कि इट हैज द बॉडी हैज चार्ज और नॉट। तो ऑन दैट बेसिस पॉजिटिव नेगेटिव इज आर जस्ट अ वे टू से इट, डजंट मीन लिटरली पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। हम कहते हैं कि व्हेन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स are more than number of electrons, सीधी सी बात जो सर ने यहाँ पे deficiency का मतलब क्या, deficiency in comparison with the protons, ये relative बात है। हाँ, तो number of proton अगर number of electrons से ज्यादा होंगे तो यानी electron deficient है, इसका मतलब हम उसे positive charge कह रहे हैं। cool, यानी सर अगर मैं बोलूं कि plus 10 units छोड़ देते, कोई unit plus 10 unit का charge है, हाँ, वो जो protons के कारण, ठीक है, और minus 4 units का charge है electrons के कारण, हाँ, तो जैसा कि आपने कहा इसके पास इस आधार पर, हाँ, वो रिलेटिव कंपैरिजन से +6 का नेट चार्ज हो जाएगा। और यहां पर शायद ये बात आ गई, देयरफॉर कि अगर इसको मैं प्रोटॉन्स और इसको इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट करूं तो प्रोटॉन्स जितने अधिक होंगे उतना पॉजिटिव ज्यादा हो जाएगा, और इसी का रिवर्स सोच लीजिए अगर इलेक्ट्रॉन्स अधिक होते। बिल्कुल सर, तो यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों में ये प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है, मुद्दा समझ में आना चाहिए। और प्रोटोनिक चार्ज प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज प्रॉपर्टी अगर एक साथ आती है देन प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज वैनिशेस। तो इफ
वन ऑफ द प्रॉपर्टी, जैसे किसी की एक्सेस है किसी का डेफिशिएंसी है, तो दिस विल मेक द बॉडी चार्ज. इफ एनपी, अगर सर मैं इसको, इस चीज को यहां पे लिखूंगी, अगर ये जैसे आपने यहां लिखा तो इसमें लिख सकते हो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन दिस केस इज मोर देन नंबर ऑफ, ये भी लिख लें, यही चीज में याद रखनी आपको. और नेगेटिव चार्ज सर होगा तो आपने बोला नंबर ऑफ प्रोटॉन इज लेस देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बॉडी. तो अगर दोनों बराबर है देन दिस बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रल, इट हैज नो चार्ज, यानी न्यूट्रल बॉडी है. ठीक है मेरी बात. तो प्रोटॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक सर हाँ. एक ही स्टेटमेंट भी बच्चों को मैं लिखने को कहूंगा, इसका रेलेवेंस ये हाँ, है हाँ. कि जब हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कह रहे हैं तब मैंने प्लस माइनस यूनिट कहकर छोड़ दिया था. तो मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से जी सर, और बाकी भी जो थियोरेटिकल सपोर्ट्स आए, जो एक्सपेरिमेंट्स हुए, तो एक यूनिट ऑफ चार्ज जो था हाँ. प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि सर ने भी बताया कि उन पर हमने इक्वल ऑपोजिट चार्ज में, तो एटम की न्यूट्रलिटी एक्सप्लेन हुई थी उससे. तो सर एक यूनिट चार्ज जो प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन पर था उसकी वैल्यू 1.6 इनटू 10^-19 कूलम्स कही गई. बिल्कुल. अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कई बार ऐसा लग सकता है कि व्हाई इफ यू आर गोइंग टू डिफाइन द यूनिट ऑफ चार्ज देन व्हाई वी आर कमिंग अप विद दिस रैंडम नंबर 1.6 इनटू 2.2 करके भी हो जाता है, कुछ भी 1 क्यों नहीं बोला. तो ऑब्वियसली बेसिकली इन स्टैंडर्ड इन ओल्डन टेक्स्ट, ओल्ड टेक्स्ट की बात करें तो वो बोलते थे एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज की उनका बेसिक यूनिट यही है, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये है हमारे पास, इसको 1 का. अब दूसरी एक SI यूनिट हम जो डेवलप कर रहे थे वो पैरेलली अलग डेवलप हो रही थी. अब जब हमने SI यूनिट में इस चार्ज को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की देन ऑब्वियसली इट विल कम विद अ डिफरेंट नंबर. फॉर एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल से मैं समझा, जैसे अगर मैं फुट और मीटर की बात करूं तो दे आर नॉट रिलेटेड विद अ वेरी गुड नंबर 10 मल्टीप्लाई, बिकॉज दे आर टू डिफरेंट यूनिट्स डेवलप्ड इन डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट प्लेसेस, एंड व्हेन दे आर मर्ज टुगेदर ऑब्वियसली इट इज हाईली लाइकली टू हैव अ वेरी अजीब सा रिलेशन फुट और मीटर में. इसका मैं, ये वो वर्जन था जहां चेंज हो गया. सर मैं दूसरा वर्जन तो जहां चेंज नहीं हुआ हाँ. कि एक घंटे में 60 ही मिनट क्यों हाँ. अगर 100 मिनट हो तो हाँ. बिल्कुल चलता काम, बिल्कुल चलता. लेकिन टाइम वाला ये था कि ये सक्सेसिवल सिस्टम फॉलो होता चला गया तो आज तक नहीं बदला उसको. बिल्कुल, बिल्कुल. है ना. और जो सर ने वाला एग्जांपल ले लिया कि जिसमें लोगों ने बदला तो अजीब सी बात आई. तो इसका जस्टिफिकेशन सर ने दिया आपको कि 1.6 ही क्यों, क्योंकि ओरिजिनल लोगों ने एक 1 यूनिट बनाया था जो आप चाह रहे थे 1 यूनिट. लेकिन जब हमारा SI सिस्टम आया तो सर ने मेरे को एक अच्छी बात यहां ऐड करने का बोल दी. बच्चों ये जो कूलम वर्ड है ये यूनिट SI यूनिट है. SI आप जानते ही हैं, ये SI यूनिट है. आई शुड बी मेंशनिंग दिस. इसको यहां पर हमने मेंशन भी कर दिया, इसको एम्पियर इनटू सेकंड और कूलम. इतना पुराने नॉलेज से भी आपको आइडिया. एम्पियर इनटू टाइम, एम्पियर मतलब करंट की बात कर रहे हैं, बिकॉज़ करंट की डेफिनेशन क्या थी, चार्ज पर यूनिट टाइम. तो ऑब्वियसली एम्पियर इनटू सेकंड. तो कई बार ये भी पहले वैसे आपने पढ़ा होगा, लेकिन डायमेंशनली ये बात क्लियर होनी चाहिए आपको कि फंडामेंटल क्वांटिटी हमने करंट को एज्यूम किया हुआ था. दैट्स व्हाई हमने उसका डायमेंशनल फॉर्मूला AT दिया है. उसका रीजन ये था कि इट इज इजी टू मेजर, इजी टू फाइंड. तो एम्पियर देखना आसान था. ऐसा है, अगर फंडामेंटली अगर मैं सोचूं ऑन द बेसिस ऑफ थॉट प्रोसेस तो लगता है कूलम ज्यादा फंडामेंटल है. लेकिन हमने जो डिफाइन किया, आप किसी को भी फंडामेंटल मान सकते हैं, बिकॉज़ दे ऑल आर रिलेटेड. तो मेन चीज क्या कहना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमने इसको, इसका डायमेंशनल क्वांटिटी जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो A into T आएगा. मैंने इसको लिख दिया कि मैग्नेट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड हेंस ऑन प्रोटॉन, क्योंकि आपने बोला दोनों दोनों की प्रॉपर्टी जब साथ आते हैं तो सीज कर जाती है. और एक बड़ी खास बात सर ने यूज कर दी, न्यूट्रलिटी ऑफ एटम. इसी से कहानी शुरू होकर ये दो तरह के. ओके, तो इसके बाद प्रॉपर्टीज पर चलते हैं सर, एक एक करके प्रॉपर्टीज. ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है आपके, और अगर आप बोर्ड एग्जाम नहीं दें तो वैसे भी प्रॉपर्टीज फंडामेंटल हैं. ओके, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी. व्हाट डज इट मीन कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक प्लस 10 का चार्ज की बॉडी है, एक माइनस 10 की चार्ज की बॉडी है. व्हेन दे कम टुगेदर तो वो कैसे आ रही है, क्यों आ रही है, वो इंपॉर्टेंट नहीं होगा. व्हेन दे कम टुगेदर द टोटल चार्ज विल बी जीरो. यानी यू कैन फाइंड आउट द नेट चार्ज बाय जस्ट अल्जेब्रिक एडिशन. यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द चार्ज बिकॉज इट हैज नो मीनिंग. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ स्केलर क्वांटिटी. ओके, then comes it is transferable. जैसा obviously अब कोई न्यूट्रल बॉडी थी, कोई न्यूट्रल बॉडी जो आपने किया भी होगा कई बार, आप बलून, आपको बर्थडे हुआ, बलून है उसको चिपकाना होता तो आप रब करते हैं और उसके बाद उसको चिपकाना. कैसे क्या कुछ तो ऐसा हुआ, तो obviously कुछ ट्रांसफर हुआ है, कुछ मूव किया. ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ चार्ज का मतलब है ट्रांसफर. हमारे लेवल पे चार्ज का मतलब है द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, द बेसिक बॉडी जो उसके नीचे क्या होता है, क्वार्क्स क्या होते हैं, वी आर नॉट कुछ नहीं हमें बॉदर्ड अबाउट इट. तो हमारे लिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक, तो हम कहते हैं कि चार्जेस डेफिनेटली ट्रांसफरेबल. यहीं पर सर आपने एक वर्ड यूज कर दिया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरेबल हाँ. हो सकते हैं हाँ. इसको भी हम लोग
हाईलाइट कर लेते हैं कि अगर सर मेरे पास एक बॉडी है तो इस बॉडी में मेरे पास एक न्यूक्लियस है, अस्सुम आप लोगों को न्यूक्लियस पता है, न्यूक्लियस में इसके ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर मैं सिंपलर मॉडल लेकर चलूं, और कुछ शायद फ्री इलेक्ट्रॉन्स हों सर, इन इस आधार पर हम ट्रांसफरेबिलिटी का कुछ और वर्जन भी डिस्कस कर सकते हैं। बिल्कुल, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पहले सर जो बोला उसको आपने पढ़ा हुआ है, फिर भी एक बार हम बात करें फ्री इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब हुआ। देखिए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमते होते हैं, ठीक है, दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हायर ऑर्बिट्स के इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं कि वो आराम से ऑर्बिट छोड़ के जा सकते हैं, यानी एक एटम का गुलाम नहीं है, वो उस एटम को छोड़ के ऑर्बिट छोड़ जा सकते हैं, मटेरियल में कहीं फ्लोट मटेरियल के गुलाम है, दे कैन नॉट गो आउट ऑफ दिस मटेरियल। सर ये इस फ्रीडम को वैसा बोलो जैसे हम लोग भी फ्री हैं, पर हम फ्री का मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी कर सकते, देयर आर सेट ऑफ रूल्स वी विल फॉलो बट वी आर स्टिल फ्री। बिल्कुल, जैसे हम अगर बाय ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस की बात तो वी आर फ्री टू मूव एनीवेयर ऑन द अर्थ, यस, बट वी कैन नॉट गो आउटसाइड, जुपिटर चला जाओ, जुपिटर चला जाओ, मतलब फ्री है यहां पर, हम किसी जगह के गुलाम नहीं कि हमें यहीं रहना है, या अगर मान लो नेशनैलिटी की बात करें तो इन इंडिया, जब आपने न्यूट्रलिटी वर्ड यूज किया तब से मेरे दिमाग में घूम रहा है, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का बराबरी होने को मैं किस तरह से मेंशन करूं कि जितना टोटल ये बाउंड वाले पॉजिटिव है और इधर बाउंड और फ्री वाला है, सब मिला कर बराबर हो जाए तो उसे हम कहेंगे कि न्यूट्रल है ये, देन द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रल, व्हेन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द जो आपने ये बल्ब बनाया है बॉडी का, पूरे बल्ब के अंदर दोनों की संख्याएं बराबर होंगी तो हम उसे न्यूट्रल कहेंगे। तो मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ राइटिंग सर, मैं इसको एनी बाउंड और ये फ्री ऐसा करके चलेगा सर, बिल्कुल चलेगा। अब इससे मेरे जहन में ट्रांसफरेबिलिटी के लिए एक बढ़िया बात आती है सर, कि आपने रबिंग की बात करी, अगर मैं सर इसको रब करता हूं तो प्रोटॉन्स का ट्रांसफर और इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर में क्या कोई बायस है कि ये ट्रांसफर होगा इन जनरल, यस सर, या हमारे लेवल पर? सर एक सिंपल सी बात है, जो जितना ज्यादा फ्री है वो जितना वो उसके मूव होने के चांसेस ज्यादा है, उतना आसान हो गया उसके मूव, जो बाउंडेड है एकदम फिक्स कर, आपके घर वालों ने रोक रखा है तुम कमरे से बाहर निकल सकते हो, तो वो फिक्स कर दिया और ताला लगा दिया, मतलब बाउंड हो गए, बिल्कुल तो आप नहीं निकल सकते, और एक होगा कि घूम सकते हो तो वो यहां से बाहर भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, तो जो फ्री है वही मेनली ट्रांसफर होता है, तो जो आपने कहा चार्ज इज ट्रांसफरेबल, मेनली जो ट्रांसफर जो हो रही है वो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और हमारे लिए तो देखिए प्रोटॉन वगैरह किए जा सकते हैं, दैट्स वो इसलिए मेनली का सबने मेनली बोला है ना, तो ये मेनली है मतलब ताकि सारी बातें कवर हो जाए। हमारे लेवल पर अगर हम बात करें तो चलो भैया, और जैसे पॉजिटिव अभी चार्ज के लेवल क्वार्क्स भी होते हैं, लेकिन सर ने बोला हमारे लिए अभी हमें नहीं पता क्वार्क्स क्या होता है, प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके लिए मैं मेनली ये मान लूं कि इट इज बिकॉज ऑफ, और अभी आंसर रिपोर्टिंग के लिए ऑलमोस्ट एवरी टाइम बोल दो भाई, है ना, तो मेनली इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर इज द ट्रांसफर, बिल्कुल ओके। इस पर सर अभी और डिस्कस करेंगे मटेरियल के टाइप बात करेंगे, इसको और एक्सप्लेन करेंगे आपको, मैंने बिफोर हैंड ये उठा दी बात जो छुप गया इसमें लिखा है चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, दैट्स अनदर नाइस स्टेटमेंट। अब एक बात समझिए, अभी हमने कहा कि वेयर वी गॉट दिस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, तो हमें ये चार्ज की प्रॉपर्टी मिली इलेक्ट्रॉन्स में और प्रोटॉन्स में, बिल्कुल, एंड वी डिडंट गेट दिस प्रॉपर्टी एनीवेयर एल्स इन द स्पेस, की खाली स्पेस में हमें ये प्रॉपर्टी मिल गया, बिल्कुल ही बढ़िया, तो यानी कि वी आर गेटिंग दिस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज विद इन सम thing which has a particle nature, yani ki which has some mass associated with it, okay, yani ki okay, whenever okay. we talk about charge the body must have electron or proton, so if body must have electron or proton then it must have mass, yani charge cannot exist without mass, that's yani it, yani charge is always associated with mass ka matlab charge cannot exist without mass, yani you can wahi jo maine aapse kaha tha ki aapne electron ka charge bahar nikal diya और इलेक्ट्रॉन अलग छोड़ दिया, ऐसा नहीं होगा कि चार्ज अकेले पड़ा हुआ है, चार्ज इलेक्ट्रॉन में ही या प्रोटॉन में ही होगा, यानी कि इट इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मास। न्यूट्रॉन इज एन एग्जांपल, यस सर, इन आवर सपोर्ट, ये हमारी मेरी बात के निगेशन को कह रहा है कि वो उसको भी ध्यान से बोलो, यानी यू जस्ट आई हैव टू मेक द कंप्लीट स्टेटमेंट कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, गुड, और उसका एग्जांपल न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का पार्टिकल की बात करें, और अभी सर हम जब बॉडी की बात कर रहे थे तो हमने जब कहा था कि इसके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है तो भी तो उस पर नेट चार्ज जीरो ही था, इसका मतलब न्यूट्रॉन का हम लोग चार्ज के कॉन्टेक्स्ट में कितनी बढ़िया था, हम चार्ज के कॉन्टेक्स्ट में न्यूट्रॉन की बात ही नहीं कर रहे थे, इट्स दैट बीइंग अ न्यूट्रल दिस थिंग, तो चार्ज होने के लिए मास का होना जरूरी है, आवश्यक है।
जबरदस्ती का सवाल हो सकता है सर, फोटोन वर्ड बच्चे पढ़ेंगे आगे जाकर, फोटोन के पास चार्ज? देखिए पहली बात तो जब आप फोटोन के बारे में, सबने कुछ पार्टिकल बोला था सर, फोटोन इज टोटली थियोरेटिकल, एग्जैक्टली, फोटोन is not something which really exists in this हमने world. चीजों को समझने के लिए, this is a way of interpretation. It is not something which really exists. ये हो नहीं रहा, ये photon कोई चीज नहीं है. It is a way of communication कि we can treat it as if it is there. और उससे हमारी चीज explain हो जा रही है. It's a way of explanation. It's a totally on the book. इसीलिए फोटोन कैन नॉट हैव चार्ज, बिकॉज चार्ज के लिए मास चाहिए, और फोटोन तो मास क्या, मास है ही नहीं, तो वो है ही नहीं सबसे, तो पहले हो, पहले तो वो हो, तो भी मुझे बात करेंगे चार्ज, फिर मास हो, और फिर उसके बाद तो सर मतलब इट इज लाइक अ पोएम ऑफ पोएट, वो पोएम है वहां, पोम है वहां पर उस पोम के असली किरदार है नहीं, बस वो है, वो असली में नहीं है, कोई इसके 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 शक्ल दिखाओ तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा, वो है बस वहां पर एग्जिस्ट करता है. तो ये तीन चीजें हो गई. इसके बाद अगली प्रॉपर्टी पर आते हैं सर, इट्स क्वांटाइज्ड. बिल्कुल, हल्का सा हमने इस पर चर्चा कर ली थी. और सर मैं बुक्स में आई हैव बीन रीडिंग दिस एक्सप्रेशन, आप लोग कॉपी कर लीजिए, सर आपको समझाते हैं क्या है. q इक्वल्स टू n e एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर. तो व्हाट डज इट मीन, हमने क्या कहा, हमने कहा कि देखिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज एक दूसरे को एनिहिलेट करने पर खत्म हो जाता है. ये बात समझ में आई. यानी कि क्यू की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ की डेफिशिएंसी, लेकिन इलेक्ट्रॉन से छोटा कुछ नहीं हो सकता एज फार एज वी आर कंसर्न्ड, जो हमारे सिलेबस की बात करें. तो इसका मतलब है कि इफ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट अ चार्ज ऑन अ बॉडी, यू कैन नेवर हैव अ चार्ज इक्वल टू चार्ज ऑफ हाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन. यानी कि हाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं मिल सकता. इसका मतलब व्हेनेवर यू फाइंड अ बॉडी इज चार्ज, तो इधर it has some number of electron more than proton or less than, so wo number integer hai, yani ki whenever you get a charge the value of charge will be cool. integral multiple of this electronic or protonic charge which has value equal to e, yani sir ye is kya likha hai ki charge on any body has to be integral multiple of electronic charge on a body must be integral multiple of electronic or beta, protonic charge. beta likh bhi lijiye jo sir ne statement bola yahi statement numerical ke liye aur electronic charge proton charge ko SI unit बात करूं तो 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलॉम है. इसका मतलब whenever you see a body is charged, a body must have charge multiple of 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलॉम. A useless talk with kids could be कि सर यहाँ पर आपने प्लस माइनस क्यों लिया, भाई कुछ तुम भी कर लो. ये हमने मतलब बुक्स में सर वहां लिखा होता माइनस एनी, वो सही, वो भी सही लिखा होता है, ये भी सही लिखा है, कोई केवल प्लस लिखे तो वो भी सही होता है. Obviously. प्लस माइनस का डिसीजन आप लो. Obviously. ये मैग्नीट्यूड दिया तुम्हें. मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड की, हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की हुई. हाँ. है और प्लस माइनस कैसे तय करोगे, एनपी और एनई देख के. ओके, देन कम्स इट इज कंजर्व्ड. ये हमने क्या कहा कि यू कैन नॉट टेक दिस चार्ज आउट, मतलब टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कंजर्व, मतलब व्हाट वी कैन से ये एक्चुअली दिस एंड दिस आर एक्चुअली लिंक्ड. यू कैन ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन्स, यू कैन ट्रांसफर द प्रोटॉन, यू कैन कन्वर्ट प्रोटॉन इनटू इलेक्ट्रॉन ऑल्सो, मतलब ऐसा कुछ चेंजेस हम कर न्यूट्रॉन को प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो चार्ज है यूनिवर्स में वो कंजर्व है. यानी कोई भी फिनोमिनन अगर हम कर रहे हैं सर, दो बॉडी ली और कोई इन्वॉल्व नहीं है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द होल यूनिवर्स, द टू बॉडीज द होल यूनिवर्स एंड it has plus 3 and it has minus 1 coulomb charge, then whatever process you are doing, if you are not externally involved, then nobody external is coming there, obviously. So, plus 3 minus 1 is whole universe ka charge. Agar plus 3 minus 1 tha, toh plus 2 hi rahega. Kuch bhi kar lo. Ho sakta hai ek pe plus 18 aa jaye. Aapne kaha sir plus 18 kaise aa gaya? Parantu dusre wala ka minus 16 aa jayega. Bas. टोटल चार्ज विल बी कंजर्व्ड, दिस इज इंपॉर्टेंट. यहां सर एक चीज ऐड करो, ये इस कॉन्टेक्स्ट में महत्वपूर्ण हो जाएगा. तो हम पीछे से बोले ना कि आगे की चीजें आगे पढ़ेंगी. हमने सर यही स्टेटमेंट मास इज कंजर्व, कंजर्वेशन ऑफ मास माइंड में पढ़ते हैं, एनर्जी इज कंजर्व पढ़ते हैं, और हमने पढ़ा चार्ज इज कंजर्व्ड. उन दोनों के रिलेटिव ये वाला एक बड़ा वाला कंजर्व्ड है, क्योंकि आगे आइंस्टीन वाली जो इक्वेशंस आती हैं, बस इतना ही बोलकर हम छोड़ देंगे कि आइंस्टीन वाली इक्वेशन में आगे आपको जाकर पता चलेगा कि एनर्जी भी एक्चुअली कंजर्व्ड नहीं रहता, इंडिपेंडेंटली कंजर्व्ड नहीं रहता, और मास भी. परंतु उसके बावजूद ये उनसे बड़ा कंजर्व्ड क्यों है, क्योंकि ये तब भी कंजर्व्ड रहता है अनटिल लेस समबडी एल्स विल कम एंड कोई बाहर आ जाए सिस्टम में. ये तो फिर और कोई हो सकता है आइंस्टीन जैसा कोई हमें बात थ्योरी बताए कि थ्योरी चेंज हो जाए, तो है ना, तब तक तो नहीं है, सिलेबस में नहीं है, मुझे नहीं पता.
ओके, तो चार्ज इज इनवेरिएंट एंड इंडिपेंडेंट, अनदर नाइस स्टेटमेंट. ये जनरली इट्स अ स्केलर क्वांटिटी दैट इज फाइन, एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, नॉर्मल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करती, ये भी ठीक है. पर इसके अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नॉर्मल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे तो मास भी हम डिपेंड नहीं करते मानते हैं, लेकिन ये हम कहना चाहते हैं कि ये रिलेटिव नॉन रिलेटिविस्टिक है. व्हाट डज नॉन रिलेटिविस्टिक मीन? Non relativistic means generally, as perhaps you have gone through अपने पढ़ाई में कभी ना कभी आप Einstein के formula पे mass का जो हमारा change होता है, when somebody is moving with some velocity v, then the new mass will be m naught upon under root 1 minus v square by c square. यानी mass changes with high relative speeds. Exactly. की बात करें तो change हो जाता है. लेकिन charge के बारे में कहना कि for example a body is a charge q, electronic charge है, electron का charge अगर मान लो e charge है, तो अगर वो c by 2 से भी चल रहा होगा. Yes. या आप c by 2 से चलते उसको देख रहे होंगे, दोनों केस में उसका चार्ज नहीं बदलेगा. यानी चार्ज इज नॉन रिलेटिविस्टिक, मास इज नॉट नॉन रिलेटिविस्टिक, मास इज रिलेटिविस्टिक, पर चार्ज इज टोटली नॉन रिलेटिविस्टिक. सर ने जो स्टेटमेंट बोली मैंने लिख दी और नॉन रिलेटिविस्टिक समझा, ये हमेशा सेम रहेगा. सर इसका मतलब अगर मैं रिलेटिविस्टिक मास को बात को लाऊं, अगर एक एटम है जो कि न्यूट्रल, आपने बोला अगर मैं हाई स्पीड से चलता हुआ देखूं तो मुझे उसकी मास बदली हुई अपीयर होगी, मास बदली हुई पर उसका चार्ज जीरो ही रहेगा, लेकिन उसका चार्ज जीरो ही रहेगा क्योंकि न्यूट्रल आपने कहा. दिस इज व्हाट सर सेड कि वो क्यू रिमेंस क्यू रिस्पेक्ट, आपने बोला क्यू रिमेंस क्यू रिस्पेक्ट ऑफ फ्रेम, और इधर मास का आपने फॉर्मूला बच्चों को रिकॉल कराया था. तो ये तो हो गई सर चार्ज की प्रॉपर्टीज, है ना. इसके आगे अब हम चलते हैं मटेरियल जो कि हम अभी बात करते हैं सर. तो दो तरह के मटेरियल्स कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स कॉमनली हैं. सो हाउ डू वी डिस्टिंग्विश अमंगस्ट देम? तो ब्रॉडली हमने ब्रॉडली बिकॉज अभी सेमी आप में से somebody might be asking कि इनको सेमीकंडक्टर शायद नहीं पता, पर ब्रॉडली अगर हम बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव डिफाइंड टू काइंड ऑफ मटेरियल. आई विल ऐड दैट वर्ड सर, क्योंकि सर ने सेमीकंडक्टर्स आपको बोल दिया, मैं लिख देता हूं. अभी ब्रॉडली हम इन्हीं दो की चर्चा ही कर रहे हैं, बट बिल्कुल सही बोला सर ने, दिस द क्लासिफिकेशन सेमीकंडक्टर्स, वी विल काइंड ऑफ बी म्यूट ऑन दैट. तो अभी हमने ये एक्चुअली इट इज बेस्ड ऑन द दिस क्लासिफिकेशन इज द बेस्ड ऑन द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ चार्ज, कि चार्ज ट्रांसफर करने की कैपेबिलिटी है कि नहीं है. Yes. और थोड़ी देर पहले हमने डिफाइन किया कि ट्रांसफरेबिलिटी की कैपेबिलिटी कम्स बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. So, अगर मैं इस तरह से ऊपर जाता जाऊं और मैं इसके बाद बोलूं कि फाइनल डेफिनेशन क्या हुई इन मटेरियल्स की, तो दिस मटेरियल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. इफ अ मटेरियल हैज sufficient number of free electrons, this is actually a definition. Sufficient number of free electron karte hue maine semiconductors ko discard kar diya, because semiconductor is also kind of thing which has some finite number of free electrons. Par iske mein bahut sare free electrons hai, usko hum conductor kahenge. Bahut sare free electrons ka matlab ki aisa nahi ki aapne kaha ki electron isme se free electron conductor tha, usse electron nikale aur thode samay iske andar free electron khatam ho gaye. To free electron, sufficient number of free electrons hum jab kehte hain to usse hum conductor kehte hain. And the body which has no free electron, zero. Yes. Zero free electron, तो उसको हम क्या कहते हैं? हम insulator कहते हैं. और बीच की जो body है, जैसे finite number of electrons की बात करें, basic of conductivity है, छोटा मोटा conductivity show कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? Semiconductor. अब conductor नाम क्यों था? On the basis of transferability, conduction. Conduction, यानी कि ये यहां से वहां चार्ज इसके थ्रू जा सकता है, इसके अंदर चार्ज फ्लो कराने की कैपेबिलिटी है, इसके अंदर चार्ज ट्रांसफर करने की कैपेबिलिटी है. दैट्स व्हाई इट्स नेम इज कंडक्टर, बिकॉज इट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इसके अंदर जो चार्ज है वो मूव कर सकता है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे था सर. हाँ, तो बस वही जो सर ने बोला, मैंने बिल्कुल वही चीजें कॉपी कर दी, दिमाग भी लगा रहा था मैं, बट मैंने सर मतलब ये ब्लू अगर सिंबल्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए दिखाया, रेड मैंने काउंट करके बराबर नहीं रखा, बट इंप्लाय मैं ये करना चाहता. तो जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या सब्सटेंशियल होगी, हाँ, तो वो कंडक्टर होगा, और जब उसकी संख्या जीरो होगी तो वो और इंटरमीडिएट वाली केस सेमीकंडक्टर्स. और जो सबसे खास बात सर ने बताया आपको कि कंडक्टर्स को कंडक्टर्स क्यों कहा, वाज बिकॉज ऑफ कंडक्शन, और वो कौन कर सकता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही रिस्पांसिबल है. यानी फाइनली सर, कंडक्टर वो है जिनके पास सफिशिएंट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है एंड व्हिच कैन कंडक्ट ट्रांसफर चार्ज, यानी कि कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. और बढ़िया बात है कि व्हिच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी इज ट्रांसफर ऑफ चार्ज, इज मूवमेंट ऑफ चार्ज. बिल्कुल. ओके, अब मेथड्स ऑफ चार्जिंग पर चले सर. okay. तो सर ये तीन कॉमनली अवेलेबल तरीके हैं, एक एक करके इन पर अगर चर्चा करें. फ्रिक्शन को कॉरेस्पॉन्ड करके दिस टर्म एनसीईआरटी वगैरह यूज करते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. यस सर. इसमें क्या है सर कि अगर आपने वो जो बलून की रबिंग वाला एग्जांपल दिया, yes, है ना, तो सर दो बॉडीज मैंने ली,
ए और बी दोनों में किसी एक की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा, अफिनिटी मतलब लव, अफिनिटी मतलब द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन। तो अगर इन दोनों में किसी एक, मान लेता हूं बी की अफिनिटी इलेक्ट्रॉन की ज्यादा थी, तो सर मैं इनको अगर रब करूंगा तो जो एनर्जी जनरेट होगी वो क्या करती है, मदद करती है कि एक में से इलेक्ट्रॉन हॉप करके दूसरे में चले जाए। और इस कारण क्या होगा सर, मान लेता हूं कि मैं ये फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी समझाना चाह रहा हूं आपको कि रबिंग के कारण कैसे, फ्रिक्शन वर्ड कैसे आया। तो मैंने ए बी को रब किया, बी की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा थी, रब करने से जो एनर्जी जनरेटी उसने एक इलेक्ट्रॉन को हप करके दूसरे में पहुंचा दिया। इस कारण से अगर पहले इसमें एनपीएनई बराबर थे, इसमें एनपीएनई बराबर थे, तो सर अब इधर ई ज्यादा होगा और इधर कम हो गए, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और हम पढ़ रहे मेथड्स ऑफ चार्जिंग। अब मैं जब इनको सेग्रीगेट करके सर दूर ले जाऊंगा, तो यानी कि फ्रॉम द टू न्यूट्रल बॉडीज यू हैव क्रिएटेड अ पॉजिटिव बॉडी एंड अ नेगेटिव बॉडी विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन। बिकॉज देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो बल्क में, दोनों में थे, दोनों ही कंडक्टर्स है, दोनों कंडक्टर्स जैसी चीजें होनी चाहिए या फिर अब यहां पर एक ओपिनियन है ना, कंडक्टर्स होता तो और आसान हो जाता, लेकिन अगर नॉन कंडक्टर भी है ना सर तो बाउंडेड। मुझे आपकी एक बात उस समय से क्वांड्री, आपने कहा था कि एनर्जी देकर बाहर से घुसकर तो हम चीजें करा ही सकते हैं, तो जो मैं रब कर रहा था सर तो मैंने काम करके इस लाइक इनडायरेक्टली समझो सर, मैंने उठा कर उधर नहीं भी जाकर उधर डाल दिया। बहुत ही तो सर ने यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट बात थी कि देखिए किस इलेक्ट्रॉन जो बाउंड है उसको भी थोड़ी एनर्जी चाहिए फ्री बनने के लिए, और फ्री वाले को एनर्जी चाहिए कुछ एनर्जी बाहर निकलने के लिए, तो यानी बाउंड भी बाहर निकल सकता है। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग जो यहाँ पे सर एम्फेसाइज करना चाहते हैं, बाउंड भी बाहर निकल सकता है बट फॉर दैट इट नीड्स एनर्जी। तो यहाँ पे वो एनर्जी कैसे आई, बाय रबिंग, बाय द प्रोसेस ऑफ रबिंग यू आर क्रिएटिंग एनर्जी। और अगर आप जो ये हीट क्रिएट कर रहे हैं, आप एक्चुअली आप काम कर रहे हैं रब करके, उसमें हीट एनर्जी आ रही है, वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स लेकर, एंड इट हैज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स। इसको अगर मुझे पसंद है तो और अच्छे से पुल इन करेगा। एक तो ये इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी मिल रही है और इधर जाना भी, ये बुलाना भी चाह रहा है, तो एनर्जी मिलके वो चलेगा। यानी कि फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास है कि आप किसी कंट्री में रहते हैं, दूसरी कंट्री वाला कह रहा है कि भैया अब मेरे यहाँ पढ़ने आ जाओ, मेरे यहाँ पढ़ने आ जाओ, आपके थोड़े पैसे हुए आप निकल लिए और आप पढ़ने जा रहे हैं, पैसे तो पूरा वो एग्जांपल हो गया, तो आप निकल लिए और उधर है ना। और ऐसे इसकी कोई सीरीज होती है, पीजो इलेक्ट्रिक सीरीज बोलते हैं, जो मैंने ए भी बोला, तो एक्सपेरिमेंट करके लोगों ने वो जैसे सिल्क वुल ग्लास उसकी पूरी सीरीज बना दी। अच्छा, कि किसको करने पे क्या होगा, कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव, कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव होगा, तो उस सीरीज से आप उसको हमेशा जज कर सकते। मतलब इनका सवाल मान लीजिए ये उठे कि सर मैंने आपको एक सिल्क और वुल दिया, इसको रब करके कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव। एनसीईआरटी में एक दो एग्जाम्पल दिए, वो तो ये लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद ही कर लें, बट अदरवाइज अगर न्यूमेरिकल बनता है सर तो मुझे लगता है एक सवाल यूं बना के दे सकते हैं इनको कि मैं वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सीरीज बना दूं, तो उसमें जिसके इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, और बोले कि ए बी सी डी ई और एक ऑर्डर मैंने उनके इलेक्ट्रॉन अफिनिटी दे दी। अब मैंने कहा डी को बी से रब किया, कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, तो जिसके इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा वो नेगेटिव हो जाएगा रबिंग पर। ओके, दूसरा सर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन जो है, अब सर ये डायरेक्ट मेथड ऑफ चार्जिंग नहीं है, बट कुछ हद तक इसकी मदद से हम लोग चार्जिंग पर जा सकते हैं। इंडक्शन में बेसिकली जो शब्द है, एक कंडक्शन भी शब्द आता है ना, इंडक्शन में सिर्फ रीअरेंजमेंट ऑफ चार्जेस होता है। कैसे सर, मैं एग्जांपल से समझाना चाहूंगा, ठीक है सर, है ना, ताकि जब आप कंडक्शन करें तो उससे डिस्टिंग्विश हो जाए वो चीज। रीअरेंजमेंट कैसे सर, कि मान लीजिए मेरे पास एक न्यूट्रल बॉडी होती, दिस इज अ न्यूट्रल बॉडी, ठीक है, ठीक। अब इसमें इस न्यूट्रल बॉडी में और मैं उसको और थोड़ा अच्छा करके न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी ले लेता हूं, तो अच्छा एग्जांपल और बन जाएगा। तो सर इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी ढेर सारे, तमाम फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो मैं सिर्फ ये नेगेटिव जो दिखा रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स वाले दिखाए मैंने सर, ठीक है, बाकी वो पॉजिटिव भी है, ओवरऑल न्यूट्रल है, ओवरऑल न्यूट्रल है, पर ये मैंने रेड वो दिखा दी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स वाले, ठीक है सर। अगर मैं इसके सामने एक पॉजिटिव चार्ज रॉड लाऊं, तो चूंकि ये कंडक्टर है, इसमें मोबिलिटी फ्रीडम है इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने की, तो ये नेगेटिव चार्जेस को अपनी ओर खींचेगा। ओके, इन सम टाइम जब स्टेडी स्टेट आएगा तो कुछ इस तरह की स्टोरी बन जानी चाहिए कि ये जो हमारी बॉडी थी, ये वाली बॉडी, इसमें सर ये नेगेटिव चार्ज उस तरफ सरक जाएंगे, इफेक्टिवली मेनी ऑफ देम इफ नॉट ऑल। तो सर मैं सिंबॉलिकली ये दिखा सकता हूं, रादर सिंबॉलिकली, कि काफी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस सतह पर आकर जम गए, यानी उस हिस्से में रिलेटिवली इलेक्ट्रॉन्स की संख्या विद इन द न्यूट्रल बॉडी ज्यादा हो गई, तो उधर ज्यादा हुई तो इधर कमी हो गई इलेक्ट्रॉन्स की, तो इधर का हिस्सा रिलेटिवली पॉजिटिव हो गया इस पॉजिटिव चार्ज की मदद से। और इस फिनोमिनन को चार्ज के सर रहा अभी भी न्यूट्रल ही, बिल्कुल सही बात है।
तो इसका मतलब है इंडक्शन वाला जो प्रोसेस है ये आप ऐसे समझिए कि अमाउंट ऑफ चार्ज नहीं बदलता है, चार्ज डेंसिटी बदलता है। यस, चार्ज डेंसिटी बदलता है। इट डेंसिटी मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को चेंज करता है, यानी कहीं पर पॉजिटिव कहीं पर नेगेटिव, यानी कि इंडक्शन कैन कॉज चेंज इन चार्ज डेंसिटी बट इट कैन नॉट कॉज चेंज इन अमाउंट ऑफ चार्ज। तो इंडक्शन अमाउंट ऑफ चार्ज नहीं चार्ज डेंसिटी को बदलता है, ये आप इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा इस बात को। सर ने जैसे समझाया कि न्यूट्रल बॉडी थी, अब ऑब्वियसली पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, ये हम मान के चल रहे हैं हमारे कूलॉम्स लॉ लेंगे, लेकिन ये हम मान के चल रहे हैं कि इतना तो आप जानते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं और सिमिलर चार्जेस रिपेल करते हैं। तो जैसे इस बॉडी में फ्री इलेक्ट्रॉन थे, दे हैव टेंडेंसी टू कम एट दिस पॉइंट, ऑब्वियसली दे डोंट हैव गेट दिस मच एनर्जी कि वो मेटल को छोड़ के बाहर आ जाए, वो भी हो सकता है। Exactly. बिल्कुल, अगर वो एक संभावना तो है। हाँ, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, तो हम ये माने नेगेटिव इधर और पॉजिटिव इधर, और दिस मेथड को इंडक्शन इंड्यूस किया है उसने इस चीज को, इसलिए इसका नाम इंडक्शन इंडक्शन है। उसके बाद कंडक्शन पर आते हैं सर। इसके नाम से ही लग रहा है, कंडक्शन के नाम से फ्लो ऑफ चार्ज, के फ्लो ऑफ चार्ज होना चाहिए, और प्रेफरेबली क्या सर, इसमें इन्वॉल्व ही कंडक्टर्स होने चाहिए। इसमें हमारी बात होती है इंसुलेटर कंडक्टर्स दोनों, इसमें ये इंसुलेटर हो मगर ये प्रेफरेबली कंडक्टर हो तो अच्छा, अगर ये नॉन कंडक्टर होता तो भी थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन से, पर सर कंडक्शन में तो कंडक्टर्स ही चाहिए। बिल्कुल। तो सर कंडक्शन में मेरे पास एक चार्ज बॉडी है मान लेता हूं, ओके, ये पॉजिटिव बनाने का मतलब इफेक्टिवली प्रोटॉन्स इसके पास ज्यादा है, ठीक है, और एक दूसरी मेटल की मतलब ये भी कंडक्टिंग बॉडी, ये भी कंडक्टिंग, पर ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये न्यूट्रल मेटल बॉल है, ठीक है। अब अगर मैं एक मेटल वायर से ही, हाँ, ये मैंने स्विच बनाया है सर एक, हाँ, है ना, अगर मैं इनको जोड़ने की कोशिश करता हूं, जैसे स्विच ऑन करूंगा इसे इन्हें जोड़ूंगा, तो सर चार्ज इस वायर के थ्रू फ्लो करता हुआ उस न्यूट्रल बॉडी में जाएगा, एंड आफ्टर सम टाइम देयर आर आइडियाज ऑफ समथिंग कॉल्ड पोटेंशियल, पर पोटेंशियल पर मैं नहीं जाना चाहूंगा, मुझे ग्रेडियंट के हिसाब से ऐसा फील हो रहा है कि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास कुछ नहीं है, तो जो ग्रेडियंट है चार्ज का जो डिफरेंस है उसकी चार्ज की चाहत, बिकॉज ऑफ दैट वर्ड पोटेंशियल विल बी टॉकिंग लेटर, तो एक से चार्ज फ्लो करके दूसरे में जाएगा, इस फिनोमिनन ऑफ को हम लोग सर अभी आप जैसे बोल रहे कि यहां से चार्ज यहां फ्लो किया जाएगा, पर अभी तो थोड़े पहले आपने बताया कि इलेक्ट्रॉन चलता है सर। अनदर ब्यूटीफुल क्वेश्चन, सिंबॉलिकली मैंने पॉजिटिव चार्ज भेजा, एंड व्हाट सर वांट्स टू पुट अप इज असल में रियलिटी में क्या हो रहा होगा कि इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलकर इधर जा रहे हैं, इसको न्यूट्रल कर रहे होंगे, इसको जाकर न्यूट्रल कर रहे होंगे, तो इसमें से दो स्टेप्स बताता हूं, पहले तो जिस तरह से मैं बता रहा था, फिर सर ने जो मैं बता रहा था वो एक मैथमेटिकल बात है, जो सर बता रहे हैं वो रियलिस्टिक बात है, जो आपकी मैथमेटिकल बात है सर, एक्चुअली वी जनरली फॉलो दैट कन्वेंशन आल्सो, बिकॉज़ वी ऑलवेज अस्यूम कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, इवन जब हम करंट भी आगे पढ़ेंगे तो हम यूं ही मान के पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा, तो इसलिए हम दोनों एस्पेक्ट को एक एक करके, एक बार मेरा वाला एस्पेक्ट मैं बोलता हूं, फिर सर वाला एस्पेक्ट सुनिए, सर वाला एस्पेक्ट रियलिस्ट एस्पेक्ट है जो एक्चुअली हो रहा होता है, और मेरा एस्पेक्ट वो है जो न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल करता है। तो मेरा एस्पेक्ट था कि मैंने इसको जोड़ा, मैंने माना कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो करके इधर गया, फॉर ईज इट्स अ मैथमेटिकल मॉडल, और इवेंचुअली क्या होगा, इसका कुछ पॉजिटिव कम हो जाएगा इस वाली बॉडी का, और ये कुछ पॉजिटिवली चार्ज होगा, एक स्टेज के बाद चार्ज का फ्लो सीज हो जाएगा, है ना, तो उसके बाद हम कहेंगे ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हो गए। उसके बाद सर अगर मैं तार यहां से हटा देता हूं, जो आ गया वो आ गया, वो आ गया, सो आ गया, तो चार्जिंग ऑफ बॉडी हो गई ना, मतलब मैंने चार्ज बॉडी से न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कर दिया, ये मैंने पॉजिटिव चार्ज ऐसे फ्लो करके दिखा दिया। सर का ओपिनियन लेते हैं, इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ गए तो इफेक्ट वही आया कि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी यहाँ पर हो गई, इसका मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो डेफिशिएंसी थी वो कम हो गई, यानी कि वो रिलेटिवली लेस पॉजिटिव हो गया, उससे कम उसके पास, तो हम पॉजिटिव चार्ज मानते हुए करेंगे, पर रियलिटी में इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो यहां से आप एक स्टेटमेंट ये लिखकर चल सकते हैं कि जब हम लोग चार्ज का फ्लो लेते हैं, हाँ, तो वी फॉर मैथमेटिकल पर्पसेस पॉजिटिव चार्ज का अगर ऐसा फ्लो लेंगे तो उस एनालिसिस में नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ऑपोजिट डायरेक्शन में ले लेंगे, आगे करंट का भी रेफरेंस दिया वहां भी काम आएगा। बिल्कुल सर, एग्जाम्पल की जो भी हमें प्रॉपर्टीज पड़ी थी इलेक्ट्रॉन इस वाले फॉर्मूले पर मैं सर Q इक्वल्स टू Ne क्वांटाइजेशन चार्ज का एक सरल सा वैल्यू फीडिंग का क्वेश्चन है कि एक न्यूट्रल स्फीयर था उसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे somehow we had to know this can you tell me how many protons were there obviously the same number of protons will be there इतने ही टोटल उसके पास क्योंकि न्यूट्रल भी तो होना चाहिए और उसने बोला भी है इफ 10% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड बाय व्हाटएवर मेथड है ना
then calculate the charge on the sphere. बेसिक सवाल, बहुत ही बेसिक सवाल हो गया ये. बट इसमें से अगर हमने 10% निकाल दिया तो 10% ऑफ इतने पार्टिकल्स निकाल दिए तो जितना निकाला उसी के corresponding charge. तो सर 90% बचा वो इलेक्ट्रॉन डिसाइड करेगा ना चार्ज कितना होता है. See, now that's a good point. क्योंकि जो हमने निकाला 10%, अगर मैं यहां पर कहूं कि 100 पॉजिटिव यूनिट चार्जेस थे और 100 नेगेटिव यूनिट चार्जेस, तो ये जो मैंने 10% निकाला तो उसके बाद एक्सेस और डेफिशिएंसी जो है वो डिफाइन करेगी, वो डिफाइन करेगी. तो 10% हो जाएगा 10% ऑफ n वुड बी 5 × 10^23 में भी, और e की वैल्यू 1.6 × 10^-19 प्लीज सॉल्व कर लीजिए इसे. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज. ऑब्वियसली वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व इट. इनको अगर साइन चाहिए तो भाई वो भी हम लिख देते हैं. साइन इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं तो इट हैज बी पॉजिटिव चार्ज. ओके अगला. ये भी बेसिक सवाल है जो क्वांटाइजेशन की बात की थी हमने, उसमें ये आपने कहा ये सवाल क्यों कर रहे हैं हम ये. हाँ. इसलिए क्योंकि इसमें बच्चे छोटी छोटी गलती करते हैं, वो बेसिक गलती है पर बहुत सिली मिस्टेक है पर वो कर देते हैं. उनको सिर्फ 61.6 दिखाई देता है, उनको बगल का 10^-19 नहीं दिखाई देता. yes. तो उनको पूछा जाता है कि चार्ज पॉसिबल है कि नहीं है, तो जनरली सी ये 32 बस 16 कट रहा है भैया चार्ज पॉसिबल है कि नहीं ऐसे देख लेते हैं. हाँ. जबकि आप चेक करके, मतलब अगर आपको मैथमेटिकली चेक करना है तो इसने पूछा विच बॉडी कौन सा चार्ज ऑन कर सकता है, वही चार्ज ऑन कर सकता है कि जिसमें q equals to n रखने पर n की वैल्यू इंटीजर आ जाए. अगर हम पहला देखें तो पहले को सर 3.2 × 10^19 यानी सर एक तरह से देखा जाए तो 2 times ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है. तो मेरे ख्याल से एक फिजिबल चार्ज है. बिल्कुल सर. अगर मैं अगला वाला देखते हैं सर, तो इसको इसको, इसको, इसको राइट, हमने लिखा 0.64 × 10^-19 10^-19 क्वेश्चन नहीं सर, मैंने कहा 20. ओके अच्छा 0.06. मैं सर मैं इसको उधर ले जाता हूं. ठीक है, इट विल ऑलमोस्ट बी अ सिमिलर आइडिया. तो मैं इसको -20 बोल देता हूं. yes, सर अब ये दूसरे सेंस में फेल हो गया. हाँ. क्योंकि सबसे छोटा ही 10^-9 और जो सर बोल रहे थे उससे आपको और साफ दिख जाता. सर बोल रहे थे 0.064 × 10^-19 तो ये तो भैया 1 से कम ही हो गया, आधा इलेक्ट्रॉन और टुकड़ो. इसी तरह इसको भी देखो तो ऑन द सेम ग्राउंड, बिल्कुल सेम ही है सर. यानी ओनली ए इज फिजिबल, ये फिजिबल है ये फिजिबल नहीं है. एकदम लल्लू मेथड अगर चाहिए तो q इक्वल्स टू एनी में वैल्यू डाल दीजिए. अगर n इंटीजर आ रहा है तो फिजिबल है, फिजिबल है नहीं तो फिजिबल नहीं.